हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ टेलर की जोन एंड स्ट्रैटा थ्योरी, जो कि रेशियल एवोल्यूशन पे बेस्ड है, वर्ल्ड के रेशियल एवोल्यूशन पे, नॉट सिर्फ इंडिया, विल डिस्कस अक्रॉस द ग्लोब। ये एक स्पेशलाइज थ्योरी है जो एक स्पेशलाइज फैक्टर पर फोकस करती है कि यहाँ से रेस ओरिजिनेट हुई वगैरह वगैरह, इसको हम लोग अभी आगे देखते हैं डिटेल में। रेसेस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स ऑफ रेसेस या एलिमेंट्स ऑफ रेसेस, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने कहा और भी रेसेस पर वीडियो बनानी चाहिए। इसके अभी रिसेंटली मैंने गुहा का जो क्लासिफिकेशन है इंडियन रेसेस का, उस पर भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ जोन एंड स्ट्रैटा थ्योरी। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। सो एक जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो जोन एंड स्ट्रैटा थ्योरी ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ये एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन ज्योग्राफर थे जो कि 1919 में दी थी इन्होंने थ्योरी, और इन्होंने इस थ्योरी में इवोल्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस अराउंड द वर्ल्ड इसके बारे में डिस्कस किया था। बिकॉज इनकी थ्योरी का जो सोल बेस था वो माइग्रेशन पर था, ठीक है। सो इनकी थ्योरी को हम लोग माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन भी बोलते हैं। उनका ये मानना है कि सबसे प्रिमिटिव मैन जो होते हुए थे, सबसे पुराने जो आदमी थे जो ह्यूमन थे, वो 5 अलग अलग रेसेस में थे, ठीक है। और यूरोप पहुंचने से पहले की बात है, यूरोप पहुंचने से पहले ही जितने भी लोग थे प्रिमिटिव मैन, वो 5 तरह के रेसेस में इन्वॉल्व थे या डिफ्रेंशिएट थे। ग्रिफिथ टेलर के हिसाब से जो ह्यूमन रेसेस का एवोल्यूशन है वो सेंट्रल एशिया में स्टार्ट हुआ था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ह्यूमन एवोल्यूशन का या ह्यूमन रेसेस का एवोल्यूशन का प्रोसेस। सो वो कब मानते हैं कि जो लास्ट आइस एज हुई थी जो वर्ल्ड की, जो कि प्लिस्टोसिन आइस एज बोलते हैं जिसको, उसके अराउंड, मतलब उसके पहले ये सेंट्रल एशिया से रेसेस का एवोल्यूशन हुआ था। और उन्होंने जब अपनी जोन एंड स्ट्रैटा थ्योरी दी थी, उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे, उनको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। सो जो पहला प्रिंसिपल है कि जो सबसे पुरानी रेसेस हैं, जो मोस्ट प्रिमिटिव रेस है, मतलब जो सबसे पहले रेस आई थी, वो अब पेरीफेरी में पुश हो चुकी है, मतलब एकदम कोनों में ये जा चुकी हैं। और यहाँ पर ये ग्रिफिथ टेलर दुनिया के कोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तस्मानिया हो गया, केप कॉलोनी हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये सब वर्ल्ड मैप के पेरीफेरी पे है, मतलब जहाँ वर्ल्ड मैप एकदम लास्ट में ख़त्म होता है वहाँ पर ये सब एरियाज पाए जाते हैं। तो ये मानते हैं कि जो सबसे पुरानी रेसेस है वो अब पेरीफेरी में शिफ्ट हो चुकी हैं। सेकेंड जो उनका प्रिंसिपल है, जो लास्ट इवॉल्व रेस है, ठीक है, जो सबसे नई रेस है, जो सबसे नई रेस इवॉल्व हुई है, यानी कि जो सबसे लास्ट इवॉल्व रेस है वो सेंटर में, ठीक है। और सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पर एजेस, मतलब बहुत पुराने टाइम से वहाँ पर जो रेसेस का एवोल्यूशन है वो होता आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर नई नई रेसेस का एवोल्यूशन को स्टिमुलस मिलता है। सो पहला और दूसरा प्रिंसिपल क्या कहते हैं, जो एकदम नई रेसेस हैं वो एकदम सेंट्रल पार्ट में पाई जाती हैं, और जो सबसे पुरानी रेसेस हैं वो एकदम पेरीफेरी में पाई जाती हैं। अभी जब हम लोग इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो थर्ड प्रिंसिपल इनका कहता है, जैसे ही रेशियल एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये फर्दर बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे रेसेस जो हैं दूर होते गई, मतलब पेरीफेरी की तरफ चलती चली गई, वैसे वैसे जो बरीड स्ट्रेटा है, स्ट्रेटा यहाँ पर क्या है, जो कि प्रिमिटिव ट्राइब्स का जो बरीड स्ट्रेटा है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और ये बरीड स्ट्रेटा क्या होगा, जो स्ट्रेटा मतलब एविडेंस, ठीक है, जो मतलब उनकी बॉडी का स्ट्रेटा है, ठीक है, जैसे स्केलेटन्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, या प्लेस नेम्स हो गए, फोल्कलोर, ये सब जो स्ट्रेटा है, मतलब बाय चांस जहाँ पर लोग रह रहे थे वो बरीड एविडेंस में उनका स्केलेटन हो सकता है, वो लोग जो यूज़ करते थे वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, उनके प्लेस नेम्स हो सकते हैं, उनके कल्चरल एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनके सिविलाइजेशन के एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो जैसे जैसे रेस एवोल्यूशन प्रोग्रेस करेगा फार में, वैसे वैसे बरीड स्ट्रेटा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइब्स का। अब फोर्थ प्रिंसिपल में क्या कहता है, जो ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन है वो एकदम सेम है, ठीक है। इन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसमें इन्होंने बताया था कि अगर हम लोग सेंटर से आउटवर्ड्स की तरफ मूव करेंगे या सेंटर से डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करेंगे, जो एवोल्यूशन होगा वो सेम लेवल से होगा। जो इन्होंने स्ट्रेटा बनाए थे अपने डायग्राम में, उन्होंने इसमें काफ़ी लेयर्स बनाए थे, लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा बनाए थे, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि चाहे सेंटर से हम लोग पेरीफेरी की तरफ मूव करें, ठीक है, सेंटर से बाहर जाएँ, ठीक, या सेंटर से डाउन मूव करें, हमारा ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रेसेस सेम रहेगा। लास्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सबसे पुरानी रेस है, ठीक, वो उन जगह पाई जाती हैं जहाँ पर वो ओरिजिनेट नहीं की थी।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था, जो सबसे पुरानी रेस है वो पेरीफेरी में पाई जाती है, लेकिन ये जो सबसे पुरानी रेसेज हैं ये पेरीफेरी पे ओरिजिनेट नहीं की होंगी, ये सेंट्रल पार्ट में ओरिजिनेट की होंगी। सो ये अब उस जगह पाई नहीं जाती हैं जहाँ पर वो मतलब ओरिजिनेट की थी। दे आर नॉट फाउंड वेयर दे डिड ओरिजिनेट, बट दे आर अलाइव प्रिसाइजली वेयर दे डिड नॉट ओरिजिनेट। ओके, तो ये इनके प्रिंसिपल्स हो गए। अब इनकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, इन्होंने क्या बोला। सो टेलर क्या बोलते हैं, उन्होंने एक एविडेंस से एक्सपीरियंस किया, उन्होंने काफ़ी सारे एविडेंसेस चेक किए और वो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सेंट्रल एशिया से, जो कि तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया है या उसके आसपास वाले, सेंट्रल एशिया की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ से सेंट्रीफ्यूगल मतलब एज लॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट देखा गया था रेसिस का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये एविडेंसेस देखे कि सेंट्रल एशिया से लोग आउटवर्ड मतलब सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बाहर की तरफ मूव किए हैं और ये जो मूवमेंट है ये बहुत पुराना है, एज लॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट है। और इन्होंने एविडेंसेस कहाँ से कलेक्ट किए थे, यूरोप, अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो जो इन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए उन सारे एविडेंसेस में बात ये देखा गया कि जो लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से मूव किए थे बाहर की तरफ। बट जो अमेरिकन एविडेंस था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट काइंड सेम था, बात वही हुई उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एविडेंस था सिर्फ। अब इनकी जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी पढ़ने के लिए हम लोग और भी डिटेल्स देखते हैं। सो वो क्या बोलते हैं, यूरोप एग्जिबिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ नियंडरथल एज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव मैन। सो जो सबसे प्रिमिटिव और सबसे पुराना इंसान है वो है नियंडरथल। ठीक है, और यूरोप में नियंडरथल पाया जाता है, और जो ये नियंडरथल है ये यूरोप के हर एक पार्ट में पाया जाता है एक्सेप्ट नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ करके हर जगह यूरोप में नियंडरथल मैन या ह्यूमन पाया जाता है। और ये मान सकते हैं दिस रेस कैन बी रिगार्डेड एज अ फर्स्ट स्ट्रेटम, ये सबसे पुरानी है, इसका मतलब ये सबसे पहला स्ट्रेटम है और इट इज़ एसोसिएटेड विद द अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद टेलर क्लाइमेट चेंज का फैक्टर प्रेजेंट करते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, जैसे कि जो रेसेस का एवोल्यूशन है वो सेंट्रल एशिया से हुआ था ठीक टेलर के हिसाब से, तो सेंट्रल एशिया में जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ वैसे वैसे लोग सेंट्रल एशिया से आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट करने लगे और लोग बाहर जाने लगे, माइग्रेट करने लगे। उनके हिसाब से सेंट्रल एशिया में नियंडरथल मैन के बाद निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रोलाइट, मेडिटेरेनियन, अल्पाइन, मंगोलियन रेसेस, इन सब का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और ये जो माइग्रेशन है ये काफ़ी सारी स्टेजेस में हुआ था, एक स्टेप माइग्रेशन नहीं था, काफ़ी सारे स्टेजेस और लेवल्स पे ये माइग्रेशन हुआ था। सो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बोला गया है कि टेलर जी ये मानते हैं कि जो सारी रेसेस का एवोल्यूशन है वो सेंट्रल एशिया से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जैसे जैसे सेंट्रल एशिया से रेसेस सेंट्रल एशिया में क्लाइमेट चेंज हुआ वैसे वैसे लोग माइग्रेट करके एक दूसरी जगह गए, उसकी वजह से अलग अलग रेसेस का डेवलपमेंट हुआ इन डिफरेंट स्टेजेस। उसके बाद टेलर जी ये समझाते हैं कि हर ह्यूमन ग्रुप, ईच रेशियल ग्रुप एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी टाइम तक रहा और उसके बाद जब वहाँ पर नई रेस डेवलप हुई उसकी वजह से वो रेस वहाँ से जो पहले से रह रही थी वो वहाँ से हटा दी गई, मतलब दे वर फोर्सफुली पुश्ड आउटवर्ड्स बाय द न्यू डेवलप्ड रेस। ठीक है, सो जैसे पर्टिकुलर सेंट्रल एशिया में कोई एक रेस रह रही थी वहाँ पर एक नई रेस डेवलप हुई, तो जो पहले रेस रह रही थी वो अब वहाँ से भगा दी गई, दे वर पुश्ड आउट फ्रॉम दैट प्लेस और वो माइग्रेट करके किसी और एरिया में जाकर रहने लगे। ठीक, अब जब वो माइग्रेटेड रेस किसी और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहेगी जाकर के, तो वहाँ पर क्या, जैसे मान लो सेंट्रल एशिया की जो रेस है अब वो यूरोप में चली गई, ठीक, नॉर्दर्न यूरोप में या किसी भी यूरोप पार्ट में, तो सेंट्रल एशिया एक ट्रॉपिकल एरिया में आता है बट यूरोप जो है वो थोड़ा सा ठंडा एरिया है, तो वहाँ पर उनको अब इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो अलग है, सेंट्रल एशिया में जो फिजिकल इन्वायरमेंट था वो अलग था, सो वो पहले सेंट्रल एशिया के फिजिकल इन्वायरमेंट से अडॉप्टेड थे बट अब उनको एक नया फिजिकल इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना है। ठीक है, और जब भी ये चेंज होता है, जब हम लोग कंसिडरेबल टाइम के लिए जाते हैं कहीं पर, वहाँ पर नए फिजिकल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं, तो हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। और ये जो चेंजेस हैं, ये स्किन कलर, शेप ऑफ द हेड, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ फेस, हेयर स्ट्रक्चर, स्टेचर, ये जितने भी रेशियल एलिमेंट्स होते हैं इन सब में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और म्यूटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेसेस को डिटरमाइन करने में। सो इसी तरह से न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस और ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग फिजिकल एनवायरनमेंट में लोग रहने की वजह से नए नए रेसेस इवॉल्व हुई, नए नए फिजिकल ट्रेट्स इवॉल्व हुए। ठीक है, सो टेलर ही मानते हैं कि जो ह्यूमन रेसेस हैं वो ग्रेट जो आइस एज आई थी, प्लेस्टोसिन आइस एज, उसके पहले डेवलप हुई थी
और टेलर ने 7 रेसेस को डेवलप बोला कि ये 7 रेसेस डेवलप हुई थी जो कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट की थी आउटवर्ड्स। और जैसे कि मैंने बताया कि 1 by 1 माइग्रेट हुई थी, स्टेजेस से माइग्रेट हुए थे। सो जनरली ये बोला जाता है, टेलर ने बोला कि लॉन्ग ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड्स में इन्होंने माइग्रेशन का प्रोसेस किया था, ठीक है। सो टेलर ने 7 रेसेस बताई, निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियाई, मेडिटेरियन, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो कुल मिला के अगर इसका एक ब्रीफ करें तो सेंट्रल एशिया से रेस माइग्रेट हुई थी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में गई, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हुआ, फिजिकल ट्रेट्स में चेंज हुआ, रेशियल एलिमेंट्स में चेंज हुआ और नए रेसेस का एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद टेलर ने एक मैप में रिप्रेजेंटेशन किया था जो हमारा ह्यूमन रेसेस का था, जितनी भी 7 रेसेस हैं उन्होंने इस मैप में रिप्रेजेंट किया था। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जो निग्रिटो है, निग्रो है, ऑस्ट्रेलाइड है, मेडिटेरेनियन है, नॉर्डिक है, अल्पाइन, मंगोलॉइड, ये सारे रेसेस को उन्होंने मैप में दिखाया, ठीक है। तो ये आप अपने आंसर्स में ये मैप बना सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैप इन्होंने अलग प्रोजेक्शन यूज़ किया था बिकॉज इन्होंने बीच में सेंट्रल एशिया को हाईलाइट किया हुआ है, जो एकदम मैप का बीचों बीच वाला पार्ट है वो सेंट्रल एशिया ही है, ठीक है। और उन्होंने ये बोलते थे सेंट्रल एशिया से रेसेस ऑरिजिनेट हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा मैप ऐसे करके बनाया ताकि सेंट्रल एशिया बीचों बीच में दिखे। तो आप इसको अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ये स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहली रेस जो टेलर बताते हैं वो है निग्रिटो। दिस वॉज द फर्स्ट रेस डेवलप्ड आफ्टर नियंडरथल मैन, ठीक है। सबसे पुराना इंसान है नियंडरथल, उसके बाद निग्रिटो डेवलप हुई थी, ठीक। और क्योंकि ये सबसे पुरानी है तो ये पेरीफेरी में पाई जाएगी। सो कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स पे पाई जाती है, ठीक। ये शॉर्ट स्टेचियर होते हैं, छोटी हाइट के होते हैं, वुली हेड होते हैं, डोलियोसिफेलिक होते हैं, फ्लैट नोज एंड ब्लैक पीपल। डोलियोसिफेलिक मतलब इनका जो सर होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, लंबा और चौड़ा, ठीक। सो ये निग्रिटो, उसके बाद निग्रोस सेकेंड नंबर पे आते हैं स्ट्रेटम में, निग्रिटोस के बाद निग्रोस बने गए। ये साउथर्न अफ्रीका और मेलेनेशियन आइलैंड के मार्जिनल जोन पे, मतलब मार्जिन्स पे पाए जाते हैं। जो इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जनरली निग्रिटो से ही सिमिलर है, ठीक है। डोलिसिफेलिक इनका भी हेड है, उलोट्रिची हेयर्स इनके भी हैं, फ्लैट नोज इनके भी, और ये भी ब्लैक पीपल है। उलोट्रिची हेयर्स मतलब जो फ्रिजली हेयर्स होते हैं, कर्ली हेयर्स इनको हम लोग बोलते हैं। थर्ड रेस जो डेवलप हुई दैट इज़ ऑस्ट्रेलॉयड रेस, ठीक है। ओरिजिन के हिसाब से टेलर मानते हैं ऑस्ट्रेलॉयड रेस थर्ड नंबर पर डेवलप हुई, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया इनका क्रेडल लैंड है, ठीक है। इनका मेन फीचर है डोलियोसिफेलिक, ये भी होते हैं, वेवी टू कर्ली हेयर्स, डार्क ब्राउन टू ब्लैक कॉम्प्लेक्शन होता है इनका, शॉर्ट स्टेचर मतलब छोटी हाइट के होते हैं, और ये सेंट्रल एशिया के स्टेटम में थर्ड नंबर पर लाए करते हैं, तीसरे नंबर पर ओरिजिनेट हुए थे। नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन रेस, ये फोर्थ स्टेटम में, ठीक है, सेंट्रल एशिया के स्टेटम के फोर्थ स्टेटम में। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या स्टेटम है, ठीक है। सब मार्जिनल जोन इंक्लूडिंग नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न यूरोप, फ्रेंच इन नॉर्थ यूरेशिया एंड साउथ एशिया, इन सब में काफ़ी ज़्यादा मेडिटेरेनियन रेस पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक है मेसोसिफेलिक्स, मतलब इनका मीडियम सर होता है, वेवी टू कर्ली हेयर, लाइट ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, मेजो हिराइन एंड मीडियम स्टेचर, मतलब मीडियम कद के होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं। मेजो हिराइन का मतलब क्या होता है, इनकी मीडियम नोज होती है, इनका नेजर इंडेक्स जो है मीडियम साइज का होता है, ठीक है, लगभग 47 से 50.9, ठीक है। तो ये पहले के चार स्टेटम हो गए, निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइट और मेडिटेरेनियन। उसके बाद नॉर्डिक रेस, ये फिफ्थ स्टेटम में, ठीक, और ये मेडिटेरेनियन रेस का ही एक वेरियंट है, ठीक, और यूरेशिया के इन सब मार्जिनल जोन पे ये पाई जाती है, मतलब यूरोप में या यूरेशिया में थोड़ा अंदर के पोर्शन में ये पाई जाती है, ठीक है। और ये माना जाता है कि मेडिटेरेनियंस जो कि बाल्टिक रीजन की तरफ माइग्रेट करके गए थे, उन्हीं में ही जो म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक चेंजेस हुए, वही नॉर्डिक रेस में डेवलप हो गए थे। इनके स्पेसिफिक रेशियल फीचर्स की बात करें तो ब्लॉन्ड हेयर्स, ब्लू आइज और लॉन्ग स्टेचर, लंबी हाइट के ये लोग होते हैं। उसके बाद अल्पाइन रेस सिक्स स्ट्रेटम में आती है नॉर्डिक्स के बाद, ठीक है, सेंट्रल एशिया में डेवलप हुई, और इनका जो क्रेडल लैंड है वो एल्प्स रीजन है, मतलब एल्प्स एरिया में, जो यूरोप में एल्प्स हैं वहीं पर ये डेवलप हुए थे, इस वजह से ये अल्पाइन रेस बोले जाते हैं। इनके फिजिकल फीचर्स है कि इनका ब्रैचिसिफेलिक, वेवी हेयर, मेसोहिराइन, लाइट ब्राउन कलर एंड मीडियम स्टेचर। ब्रैचिसिफेलिक वो ऐसा स्कल होता है जो कि एक पर्टिकुलर जो साइज होना चाहिए किसी भी स्पीसीज का, उससे कम साइज का होता है, ठीक है। सो अल्पाइन रेस का जनरली ब्रैचिसिफेलिक स्कल होता है। इसके बाद जो लेटेस्ट स्ट्रेटम है, ठीक है, वो है हमारा मंगोलियन रेस, ठीक है, मंगोलॉइड जिसने बोलते हैं, और सेंट्रल एशिया की सबसे एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये रेस है, कौन सी, मंगोलियन रेस, और ये एकदम लेटेस्ट रेस है, मतलब लास्ट जो सबसे नई हमारी रेस डेवलप हुई है वो है मंगोलियन रेस। सो मंगोलियन रेस जो है सेंट्रल जोन और अपर मोस्ट स्ट्रेटा, हाईएस्ट स्ट्रेटा में ये पाई जाती है, डायग्राम में देखेंगे।
स्विस एल्प्स इन द वेस्ट टू मंचूरिया इन द ईस्ट, इन पूरे एरिया में, इतने लंबे एरिया में मंगोलियन रेस पाई जाती है। इनके मेन फीचर्स की बात करें तो ब्रॉड हेड, स्ट्रेट टू वेवी हेयर्स, येलो कॉम्प्लेक्शन, लेपोटेराइन, ऑब्लिक आइज एंड एफिसेंटिक फोल्ड एंड मीडियम स्टेच्योर। लेप्टोराइन नोज का मतलब होता है कोई एक नैरो नोज, पतली सी नाक जिनकी होती है, ठीक है, बहुत मोटी नहीं। और जनरली इन रेस में एपिकैंटिक फोल्ड पाया जाता है। एपिकैंटिक फोल्ड या एपिकैंथल फोल्ड वो होता है जैसे आंखों के ऊपर एक हल्का सा फोल्ड, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक फोल्ड टाइप का ऊपर या नीचे बन जाता है, तो इसको हम लोग एपिकैंटिक फोल्ड बोलते हैं। तो ये मंगोलियन रेस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। टेलर ये एडमिट करते हैं कि जो स्लैंट आइड मंगोलियन होते हैं और जो यूरोपियन स्विस होते हैं उनमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, बिकॉज आँखों का स्लैंटनेस एक मेजर क्राइटेरिया नहीं हो सकता है रेसेस का डिवीजन करने के लिए, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी रेसेस में जो आँखों का स्लैंटनेस होता है वो पाया जाता है। सो इनको अलग करने के लिए आँखों के स्लैंटनेस नहीं यूज़ कर सकते, बट चीक बोन्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मंगोलियन टाइप, आर प्रोमिनेंट इन सम पार्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड देन इन मंगोलिया, ठीक है। सो कोई एक सेटिस्फैक्ट्री डिमार्केटरी लाइन नहीं है एक यूरोपियन अल्पाइन और एशियाटिक मंगोलाइड्स को डिफ्रेंशिएट करने में, और ऐसा मान सकते हैं बिकॉज ये लास्ट एकदम लेटेस्ट टू डेवलप्ड रेसेस हैं मंगोलाइन और अल्पाइन, सो इनको डिमार्केट, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री डिमार्केशन नहीं कर सकते इनको प्रॉपरली। सो ये तो हम लोगों ने सातों रेसेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेलर ने दिया था अपना जोरन स्ट्रैटेजरी का। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ स्ट्रेटास यूज़ किए थे जितनी भी रेसेस हैं उनको दिखाने के लिए, ठीक। ये एक 3D डायग्राम है, ठीक। इसमें जो सबसे सेंट्रल पार्ट है, जो आप पहला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक, वो सेंट्रल एशिया है, जो सेंट्रल पार्ट एकदम ये कोने वाला, ठीक, दिस सेंट्रल एशिया। ऐसा उन्होंने बोला कि यहाँ से सारी रेसेस का एवोल्यूशन हुआ था, और जैसे जैसे रेसेस का एवोल्यूशन होने लगा वैसे वैसे ये मूवमेंट करी, माइग्रेट करी और पेरीफेरीज में जाके ये लोग रहने लगी। सो जो सबसे पुरानी रेस होगी वो सबसे पेरीफेरी में पाई जाएगी, सबसे आखिरी में पाई जाएगी, और जो सबसे नई रेस होगी वो एकदम सेंट्रल पार्ट में पाई जाएगी। तो इस मैप में या इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो एकदम सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर मंगोलॉयड रेस पाई जा रही है, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया जो एकदम लेटेस्ट रेस डेवलप हुई है वो है मंगोलॉयड रेस, तो ये सेंट्रल पार्ट में पाई जा रही है। उसके बाद फिर एल्पाइन, फिर नॉर्डिक, फिर मेडिटेरेनियन, फिर ऑस्ट्रोलाइट, फिर निग्रो, और लास्ट में जो एकदम लास्ट है सरफेस जो दिख रहा है वो निग्रिटो रेस है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे पुरानी रेस है वो एकदम पेरीफेरी में पाई जा रही है, ठीक। उसके बाद इन्होंने एक और पॉइंट बोला था कि अगर हम लोग बाहर की तरफ जाएँ, आउटवर्ड्स की तरफ जाएँ, पेरीफेरी की तरफ, या हम लोग सेंटर से डाउनवर्ड जाएँ, ठीक, सेंटर पार्ट से जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ से अगर हम लोग बाहर की तरफ जाएँ आउटवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, जो एवोल्यूशन है, लेवल ऑफ एवोल्यूशन वो सेम रहेगा। सो ये बाहर और नीचे जाने की बात इसी डायग्राम के थ्रू हो रही थी, ठीक है। जैसे आप ये एरो देख सकते हैं, जो बाहर की तरफ एरो जा रहे हैं इसका मतलब लोग आउटवर्ड जा रहे हैं, और डेप्थ दिख रही है ये मतलब लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो एवोल्यूशन का लेवल ऑफ रेसेस सेम रहेगा, गॉट इट, ठीक है। तो कुल मिलाकर उन्होंने इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अपना जोन एंड स्ट्रेटा का मॉडल का डिपिक्शन दिया, ठीक। उन्होंने जितनी भी रेसेस हैं उनको स्ट्रेटास में बांट दिया, और जो सेंट्रल पार्ट में जो सबसे नई रेस है सेंट्रल एशिया को डिपिक्ट किया उन्होंने, और सेंट्रल एशिया में वो मानते हैं कि सारी रेसेस का एवोल्यूशन होता है, तो सेंट्रल पार्ट में सबसे नई रेस जो कि मंगोलॉयड है, और पेरीफेरी में सबसे पुरानी रेस यानी कि निग्रिटो, ठीक है, उसको उन्होंने दिखाया। सो ये तो उन्होंने बात कर ली जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी ऑफ ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। सो ये जो कंटेंट है ये पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी बाय एसजी मौर्या, प्रवालिका पब्लिकेशन प्रयागराज, इनकी बुक से लिया है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसमें, आप इस बुक को आप खरीद सकते हैं, बेफिक्र होके खरीदिए। और यूपीएससी हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही प्रिसाइसली एक बुक लिखी है डॉक्टर एसजी मौर्या सर ने। सारे टॉपिक जनरली इन्होंने कवर किए हैं, सारा बहुत ही ईजी लैंग्वेज लिए, विद डायग्राम्स और मैप्स इन्होंने खुद कंपाइल करके मैप्स बनाए हुए हैं। सो अगर आप बीए एमए कुछ भी कर रहे हैं या आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।